हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप अगर पहली बार रैबिट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपका पसंदीदा कलर चाहे जो हो, चाहे वो ब्लैक वाइट या फिर वाइट ब्लैक या फिर ग्रे सिल्वर येलो पर्पल कोई सा भी हो, तो हमें करना क्या होता है, क्योंकि जब भी हम रैबिट लाते हैं हम इतने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो इतने क्यूट होते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम जो भी फिल्मों में या कहानियों में देखे होते हैं, हम बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करने लगते हैं, जैसे कि एक सुंदर सा उनके लिए घर बना देना, चाहे वो डॉल हाउस जैसा दिखता हो, चाहे जैसा भी दिखता हो, उनको कोई भी फल फ्रूट या फिर कोई फ्लावर खिला देना। तो ऐसी हरकतें होती हैं, कई ऐसी चीज़ें हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे नन्हे मुन्ने रैबिट्स मर जाते हैं। और हमें कौन सा रैबिट कैसे चेक करके लाना है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बाय चांस मान लीजिए कि ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पेट स्टोर्स पे वाइट वाले रैबिट मिलते हैं, तो हम एग्जांपल के तौर पे रखते हैं वाइट रैबिट को, जैसा कि यहाँ मेरे पास एक है। तो हम इससे शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे कि, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो अच्छे से विजिबल हो जाती हैं इसमें, और क्योंकि इसका कलर वाइट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इन रैबिट्स को, आपने इस वीडियो में देखा ये लोग कितने अच्छे से फुदक रहे हैं, यहाँ वहाँ कूद रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं ये लोग, क्योंकि अभी भले इनके माँ बाप इनसे दूर हैं लेकिन ये पूरा एक ग्रुप है और ये पूरी एक्टिव है। इन्होंने जितने भी दिन दूध पिया अपनी माँ का, पूरा इन्होंने पिया है, टाइमली पिया है। और कई बार क्या होता है, जब भी हम पेट स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे इस साइज़ में या फिर इनसे थोड़े से बड़े साइज़ में या इनसे छोटे साइज़ में हमें जो रैबिट देखने को मिलते हैं, वो ग्रोथ तो कर गए होते हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उनका, वो उतना पावरफुल नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता है कि बाय चांस उनको कोई भी ऐसी बीमारी जो कि गैस्ट्रो की हो, लूज मोशन की हो, या फिर उनको कोई सर्दी जुखाम हो जाए तो वो खुद अपने आप को रिकवर कर सके। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये रैबिट की एक्साइटमेंट की एक सिंबल है, उसकी एक निशानी है, यानी कि रैबिट या रैबिट का बच्चा जब ऐसे कूदते हैं तो वो एक्साइटेड होते हैं, तो ये उनका एक सबसे बड़ी पहचान है कि अगर वो इतने फुदक रहे हैं, इतने एक्साइटेड हैं, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि वो काफ़ी हेल्दी हैं और पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और दूसरी चीज़, जब भी आप रैबिट खरीदने जाएंगे और आप केज में जब हाथ डालेंगे तो रैबिट आपकी ओर ज़रूर स्मेल करेगा, थोड़ा सा एक्साइटेड खुद को दिखाएगा, वो यहाँ वहाँ भागेंगे, लेकिन जैसा कि आप लोग अगर कभी गिनी पिग लेने गए हों या फिर आप लोगों ने देखा हो मेरी वीडियोस में, मैं जब भी गिनी पिग्स की ओर हाथ डालता हूँ, वो सो रहे हों या फिर जो भी हो, वो साइड हो जाते हैं। तो ये सब पहचान होती है आपके पेट के एक्साइटेड होने की, यानी कि वो फुल्ली एक्टिव है। दूसरा चीज़, बाय चांस मान लीजिए कि सभी रैबिट्स हैं, और ये देखिए इसने नीचे फेंक दिया यहाँ पे खाना, तो बाय चांस मान लीजिए कि सभी रैबिट्स अच्छे से यहाँ वहाँ खेल कूद रहे हैं, यहाँ वहाँ फुदक रहे हैं, और उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से एक्टिव तो सभी हैं, कूद उद रहे हैं, लेकिन कौन ठीक है कौन नहीं। तो इस चीज़ के लिए हमें एक चीज़ जाननी होगी, जब भी हम रैबिट खरीदें तो आप लोगों ने देखा होगा कि रैबिट जब अगर कोई बढ़िया पेट स्टोर वाला है तो वो रैबिट को उल्टा करके चेक करता है, तो अगर वो ना करे तो हमें ज़रूर चेक करके देखना है। और ये चीज़ हम ये इसलिए नहीं चेक करते कि वो मेल है या फीमेल, जैसे कि मान लीजिए आपने ये रैबिट पसंद किया और आपको ये वाइट वाला रैबिट पसंद है, आपको वाइट वाले रैबिट को उठाना है, रैबिट को इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए, और ये वाली जो आपकी उंगली है ये रैबिट के पीछे की ओर जानी चाहिए, और हमें ज़्यादा देर तक नहीं, बस ऐसे उठा के और रैबिट के बच्चे को ऐसे देख रहे हैं, इसके पूंछ के पास कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी गंदा या पीलापन नहीं होना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत भी गंदा है, उसकी लेड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं या फिर वहाँ पे पीलापन है, तो मेरी जहाँ तक राय है आप उस रैबिट को मत लीजिए, चाहे वो किसी भी कलर का हो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसने अच्छे से खान पीन उसका नहीं रहा है और वो थोड़ा बीमार हो सकता है। अगर आप लोग ट्रीटमेंट जानते हैं, आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उतना इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप भले ही उसको ले आइए, तो आपको ऐसे चेक करना है। और दूसरी चीज़, जब भी हम रैबिट लेंगे तो रैबिट लेने के बाद उसको अलग से केज पे रख के देख लीजिए कि उसकी मूवमेंट कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि रैबिट के बच्चे तो ठीक उन लोगों को मिलते हैं, शॉप वालों को, लेकिन कई सारे रैबिट होने की वजह से उनकी गर्दन या पैर कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम जब भी उस बच्चे को घर ले जाते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको एक हेल्दी और एक्टिव और जैसा आपको पसंद होगा वैसा रैबिट आप ले सकते हैं। और दूसरा, जब भी आप छोटे साइज़ का रैबिट लेते हैं
तो आप ये ज़रूर गौर करिए कि वो सचमुच में खाता है, तो इसका कोई सबूत है आपके पास, यानी कि शॉप पे आप देखिए कि वो सचमुच में खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यहाँ जैसे कि देखिए मेरे नन्हे मुन्ने कोको के बच्चे सब कुछ खाने लगे, चाहे वो खीरा हो, घास हो, गाजर हो, तो ये आदत उनको पड़ गई गिनी पिग्स के बच्चों के साथ रहकर। और अभी भी मैं इनको टाइमली दो बार छोड़ देता हूँ दूध पीने के लिए, जबकि इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गिनी पिग्स के बच्चों के साथ रखने से फ़ायदा ये है कि इन्होंने खाना खाना सीख लिया है और अब बहुत कम कोको को ये परेशान करते हैं, वरना ये चारों जब एक बार में दूध पीने के लिए भागते हैं तो कोको परेशान हो जाती है। और इस शैतान को देखिए, ये बिल्कुल अपने बाप वाली हरकत कर रही है और ये उठा के इसको नीचे फेंक देगी। तो ये देखिए सब लोग खाना खाना सीख गए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम रैबिट खरीदना चाहते हैं तो आपको कैसे चेक करना है। तो ये दो तीन चीज़ें और आपको एक बेस्ट रैबिट मिलेगा। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें और नन्ही रैबिट्स को खेलने दें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।